अमरपाटन के गुरुकुल कॉलेज ऑफ एजुकेशन की शिकायत करने महाविद्यालय के छात्र एवं छात्राएं एसडीएम कार्यालय पहुंचे। इन विद्यार्थियों ने आवेदन देकर शिकायत करी कि महाविद्यालय प्रबंधन उनसे ज्यादा फीस वसूल रहा है। अमरपाटन के ग्राम गाडोली स्थित गुरुकुल कॉलेज ऑफ एजुकेशन महाविद्यालय में पढ़ने वाली बीएड की छात्राओं ने संस्थान के ऊपर आरोप लगाए हैं। उनका आरोप है कि प्रबंधन द्वारा उनसे ज्यादा फीस वसूली जा रही है, जिसको लेकर जब वह प्रबंधन के पास पहुंची तो उन्हें वहां से भगा दिया गया। साथ ही परीक्षा फॉर्म भी फेंक दिए गए, जिससे नाराज होकर छात्र छात्राओं ने एसडीएम कार्यालय पहुंचकर अमरपाटन एसडीएम आरती यादव को ज्ञापन सौंपते हुए कार्यवाही की मांग की है। हमारे पास कुछ विद्यार्थियों के द्वारा गुरुकुल कॉलेज ऑफ एजुकेशन के अवैध वसूली के संबंध में ज्ञापन आया है, जिसमें उनका कहना है कि परीक्षा फीस के नाम पर उनसे लगभग प्रति व्यक्ति प्रति स्टूडेंट 15,000 वसूला जा रहा है, और यदि वो ऐसा नहीं दे रहे हैं तो उनके मार्क्स कम दिए जा रहे हैं या उन्हें धमकी भी दी जा रही। साथ ही उन्होंने अभी कंप्लेन की कि उनके साथ अभद्र व्यवहार भी किया जा रहा है। तो इस बारे में इस ज्ञापन के लिए जाँच के लिए हमने नोटिस भी जारी किया है और इसका जाँच की कार्रवाई भी की जाएगी। हम शिकायत करने आए हैं कि गुरुकुल कॉलेज का मैं छात्र हूँ, सेकेंड ईयर बी एड क्लास में। इस कॉलेज के द्वारा पहले नहीं बताया गया था कि आपसे कितनी फ़ीस लेनी है, ओनली ट्यूशन फीस की बात हुई थी, और जो ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म में जो भी फीस लगेंगे वो ऑनलाइन आपको दिया जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पे समस्त छात्रों से प्रैक्टिकल फीस के नाम पे और असाइनमेंट के नाम पे 15,000 रुपये चार्ज कर रहे हैं, और उसकी भी किसी प्रकार की रसीद देने से मना करते हैं कि आपको 15,000 रुपये देना पड़ेगा, नहीं तो हम आपको फाइल कर देंगे। ये कॉलेज के डायरेक्टर व पूरा मैनेजमेंट। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।